हेलो नमस्कार वणक्कम मल्हार, जो कि आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक है कक्षा 6 की सीबीएसई के छात्रों के लिए, उसका पांचवा चैप्टर है रहीम के दोहे। दोहे का मतलब क्या होता है? दोहे का मतलब होता है एक कपलेट जो कि अपने आप में ही एक तरह से कंप्लीट है, यानी कि अगर आप सिर्फ उन दो लाइनों को, कपलेट मतलब दो लाइन, कपल कपलेट मतलब दो लाइन, अगर आप उन दो लाइन को भी पढ़ें तो उसमें भी एक तरह का मतलब निकल आता है। इट ऑल्सो हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट मीनिंग, दैट्स अ मीनिंग ऑफ अ कपलेट एंड दैट इज कॉल्ड दोहे इन हिंदी। ओके, नाउ रहीम वॉज वन पर्सन हु रोट ए नंबर ऑफ दोहे एंड दैट्स वाई रहीम के दोहे काफी प्रसिद्ध हैं। ओके, सो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये पर्टिकुलर दोहे उन छात्रों के लिए भी मुश्किल होगा जिनको हिंदी आती नहीं है। मेजॉरिटी दक्षिण भारत के या पूर्वी भारत के बच्चे जिनकी हिंदी मातृभाषा नहीं है, इट्स नॉट देयर मदर टंग, दे विल फाइंड इट टफ। इवन स्टूडेंट्स जो कि उत्तर भारत के हैं या पश्चिम भारत के हैं, जो कि घर पर हिंदी बात करते हैं, उनको भी दोहों में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये दोहे एक तरह के पुराने तरह के स्टाइल के हिंदी में लिखे गए हैं, मॉडर्न हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसलिए हर शब्द के ट्रांसलेशन को समझने की आपको जरूरत पड़ेगी। और यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक शब्द का एक्सप्लेनेशन दूं, हर एक वाक्य का शब्द एक्सप्लेनेशन दूं, हर एक दोहे का एक्सप्लेनेशन दूं। ओके, और इसके बाद हम प्रश्न और उत्तर भी सुलझाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे बाय गेटिंग इनटू द पोएम। मैंने एक काम किया है कि मैंने दोहों को अलग से लिया है, उनका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, उसको मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में इजी रहे, लेकिन वर्ड मीनिंग्स मैं आपको लाइव वीडियो में समझाऊंगा। तो अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर रख लीजिए ताकि आप नोट्स एक साथ ले लें। दिस विल बी द मोस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज अगर आपको हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के, ये पांचों सब्जेक्ट्स के सीबीएसई 6 कक्षा के एक्सप्लेनेशन वीडियोस और क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो दिस इज योर डेस्टिनेशन। ओके, सो सीबीएसई विद सुधीर, हिंदी मल्हार टेक्स्ट बुक चैप्टर 5, रहीम के दोहे। नो, रहीम कौन थे? रहीम बादशाह अकबर के कोर्ट में, ही वॉज वन ऑफ द 9 मिनिस्टर्स, उनके 9 मंत्रियों में से एक थे, जिनको कि नवरत्ना कहा जाता था, जैसे बीरबल हो, तानसेन हो, उसी तरह से रहीम को भी एक नवरत्न माना जाता था। वो एक्चुअली बैरम खान के पुत्र थे जो कि अकबर के गार्डियन थे। जब अकबर काफी छोटी उम्र के थे तो उनके उनके एक गार्डियन को नियुक्त किया गया था जो उनकी देखभाल कर सके, वो थे बैरम खान। तो रहीम बैरम खान के बेटे थे, ये आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद भी आपकी किताब में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई है जिसकी चर्चा हम दोहे पढ़ने के बाद करेंगे। ओके, तो पहले दो लाइनों पर हम नजर डालते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा कहा करे तलवारी। नाउ इसमें आप देखेंगे डारी, तलवारी, लघु, बड़ेन, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो आपने शायद सुने नहीं होंगे या जिसका कि इस्तेमाल आप नॉर्मल हिंदी भाषा में नहीं करते हैं आजकल। तो इसका वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। तो रहीमन, जब भी हर दोहा ये रहीमन शब्द से शुरू होता है तो इसका मतलब है रहीम अपने आप को ही एड्रेस कर रहा है इन ए वेरी रेस्पेक्टफुल वे। सो रहीमन इज अ रेस्पेक्टफुल वे ऑफ एड्रेसिंग हिमसेल्फ, रहीम हिमसेल्फ। ओके, देखी का मतलब सीइंग और ऑब्जर्विंग। ओके, सीइंग और ऑब्जर्विंग। ओके, प्लीज कीप नोटिंग इट डाउन ताकि आपको बाद में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, ये दोहे पूरी तरह से याद हो जाएंगे। बड़ेन का मतलब है रेफरिंग टू थिंग्स विच आर बिगर इन साइज, या कोई महत्व में ज्यादा महत्वपूर्ण हो। जैसे मैं बताऊं, रोजमर्रा की जिंदगी में देखे, एक मंत्री है तो एक मंत्री को ओहदे के रूप में बड़ा माना जाएगा, एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर या शाहरुख खान या आमिर खान को बड़ा माना जाएगा। तो बड़ेन मतलब somebody who is big in size और stature, stature का मतलब ओहदे में। ओके, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, कोई एक्टर हो या विराट कोहली हो जो बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो, क्रिकेटर हो, तो उस तरीके से। लघु का मतलब है स्मॉल, तो लघु मतलब बड़ेन का विपरीत हो गया। ओके, तो अगर विपरीत शब्द का क्वेश्चन आए तो बड़ेन का लघु विपरीत होगा लघु।
ना दीजिए डारी, दीजिए मतलब टू गिव, यहां पर इट इज बीइंग यूज्ड इन द सेंस ऑफ टू कंसिडर, ओके टू कंसिडर उस सेंस में बोला जा रहा है, अदरवाइज दीजिए का मतलब है टू गिव, डारी का मतलब है टू थ्रो अवे, टू डिस्कार्ड, कि आप किसी चीज को फेंक दें या डिसरिगार्ड करें, कि उसका आदर ना करें, ओके समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ वर्ड मीनिंग से समझ में नहीं आएगा, इसके बाद इसका जो पूरा मीनिंग है डीपर मीनिंग मैं समझाऊंगा, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जहां काम आवे सुई, सुई का मतलब है नीडल, ओके नीडल मालूम है ना, जिसमें कि आप अगर बटन सिलना हो, बटन टूट गया हो, बटन को सिलने के लिए आपकी मदर क्या इस्तेमाल करती है, शी यूजेस ए नीडल, जिसको कि हिंदी में सुई कहते हैं। सो जहां काम आए, कि जहां पर सुई का काम हो वहां पर क्या आप तलवार का इस्तेमाल कर सकते हैं, तलवारी का मतलब है स्वॉर्ड, ओके तलवार, आजकल हम तलवार कहते हैं, बिकॉज यहां पर एक राइमिंग स्कीम है, यानी कि डारी तलवारी, तो इसलिए रहीम ने डारी के साथ साथ तलवारी किया है, ताकि एक ही एक राइम स्कीम बना रहे, एक रिदम बना रहे, एक मीटर बना रहे। तो ये हो गया इसका वर्ड मीनिंग पूरा इसका, ओके तो अब इसका कहने का मतलब क्या है, कि रहीम कहते हैं कि ओ रहीम डू नॉट डिसरिगार्ड द स्मॉल वर्ड्स, की छोटी चीजों की आप ऐसा ना करें कि आप उनकी परवाह ही ना करें। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप किसी महफिल में जाते हैं, आप किसी मीटिंग में जाते हैं, आप किसी जनरली साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ओके सडनली एक बड़ा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति साइज में हाइट में बड़े वाली बात नहीं कर रहा हूं, एक बड़ा व्यक्ति यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मंत्री आपसे मिलने के लिए आता है, तो आप इसको छोड़ देते हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और सीधा आप मंत्री के साथ ही जुड़े रहते हैं, क्या ये करना ठीक होगा? रहीम का कहना है कि ये करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा और इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिसरिगार्ड द स्मॉल वंस इवन व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट पीपल। सो व्हेन यू सी समवन और समथिंग बिग, किसी छोटे चीज का आप निरादर ना कीजिए, उसको डिसरिगार्ड मत कीजिए, ओके डारी मत कीजिए, ओके बिकॉज जब जहां पर सुई का काम है, क्या आप तलवार का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, आपका बटन टूट गया, उसमें सुई के अंदर धागा डाल के आप उसको सिलेंगे, क्या आप तलवार के अंदर धागा डाल के आप सिल सकते हैं बटन को शर्ट के? ऑब्वियसली नहीं। तो हर छोटी चीज का भी महत्व होता है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं रहीम की। ऐसा नहीं है कि तलवार बड़ी हो तो उससे सब काम हो जाएगा, नहीं, यहां पर छोटी चीज का काम है तो इसमें छोटी चीज यानी कि छोटी सुई ही काम आएगी, वहां पर तलवारी का कोई भी काम नहीं होगा, ओके तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में भी हम किसी भी छोटी चीज का निरादर ना करें, ओके और इसीलिए हमको बताया जाता है कि हर एक का अपना एक महत्व है, जैसे सुई का अपना महत्व है, तलवार का अपना महत्व है। अगर आप किसी लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, जैसे सेना युद्ध में जाती है, तो क्या वो सुई के साथ जा सकती है? नहीं जा सकती, वहां पर उसको तलवार का काम करना चाहिए। तो जहां पर जिसका काम हो उसी का इस्तेमाल करना चाहिए और बड़ी चीज के सामने छोटी चीज को इग्नोर या उसका निरादर नहीं करना चाहिए। सेकेंड दोहे पे चलते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियाई ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सांचे ही सुजान। इसका क्या मतलब है? तरुवर का मतलब है पेड़, ओके सो तरुवर, ये प्लीज आप इन सभी वर्ड मीनिंग्स को लिख लीजिए, इंग्लिश में ट्री, हिंदी में पेड़, ओके ये भी लिखिए, वो बात के एक्सरसाइज में देखिए, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन आंसर्स में, अपनी भाषा में तरुवर को क्या कहते हैं? जैसे तमिल में कहते हैं मरम, ओके आप अपनी भाषा में बताइए कि तरुवर यानी कि ट्री या पेड़ को आप अपनी भाषा में, बंगाली हो, मराठी हो, कन्नड़ा हो, उसमें क्या कहते हैं, ओके नाउ फल का मतलब है फ्रूट, ये तो मालूम है, फल का मतलब है फ्रूट। नहीं खाते है यानी कि पेड़ अपना फल नहीं खाती है। मेरे घर के सामने मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, क्या पेड़ अपना फल खुद खाती है? नहीं, उससे हम तोड़ के फल खाते हैं, आम खाते हैं गर्मी के महीने में, करेक्ट। तो पेड़ अपना फल कभी नहीं खाती है। उसी तरह से सरोवर, सरोवर का मतलब है सरोवर यानी कि पॉन्ड, ओके आजकल के इसमें हम सरोवर लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, लेकिन उस समय पर पुराने जमाने की हिंदी के मुताबिक यहां पर सरोवर लिखा है। ये उर्दूआइज्ड हिंदी है क्योंकि वो उर्दू में भी काफी लिखते थे, ओके तो लेक या पॉन्ड
वाटर बॉडी या पॉन्ड, कुछ भी लेक हो या पॉन्ड हो, पियाही ना पान, पियाही मतलब ड्रिंक, ओके, और पान एक्चुअली इज रेफरिंग टू वाटर, पान पानी, ही इज एक्चुअली पानी, ही इज एक्चुअली वांटिंग टू राइट पानी, ओके, कही राम पर काज हित, यानी कि रहीम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं कि राम रहीम अपने बारे में बात करते हुए वो कह रहे हैं काज का मतलब वर्क, किसी तरह का काम या किसी बेनिफिट के लिए या किसी उपयोग के लिए, ओके, किसी उपयोग के लिए, कि संपत्ति का मतलब है वेल्थ या प्रॉपर्टी या पोजेशन, सुजान का मतलब है गुड पर्सन, ओके, सुजान का मतलब है गुड पर्सन, और सांचेही का मतलब है कलेक्ट और एक्यूमुलेट, यानी कि इकट्ठा करना। मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं, इंग्लिश तो आपको सबको आती होगी, और मैं हिंदी में भी बता रहा हूं ताकि सभी को फायदा हो, जो इनको हिंदी ज्यादा अच्छी आती है, जिनको अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, लेकिन आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इसका अर्थ, हर शब्द का अर्थ लिख लें ताकि आपको फायदा होगा। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, ओके, अब इसके ट्रांसलेशन पे चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि पेड़ अपने, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में टाइप करना बहुत मुश्किल है, ओके, कि पेड़ एक एक वर्ड को कर सकते हैं लेकिन पूरे सेंटेंस को लिखना बहुत मुश्किल होता है टाइपिंग में। लिखना इजी है लेकिन वो फिर लिखना, फिर हैंड राइटिंग को, फिर वो स्कैन करना, वो सब बड़ा दूर वाला काम है। तो कहने का मतलब यह है कि पेड़ अपने फल नहीं खाती है, उसी तरह से कोई भी तालाब, ओके, अपना पानी खुद नहीं पीती है। तो रहीम कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वाइज पीपल होते हैं, वो अपने पास दौलत इकट्ठी करती हैं, करते हैं, लेकिन दूसरों के भले के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ओके, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, बेनिफिट ऑफ अदर्स, बेनिफिट का उसमें वर्ड क्या था, हित, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए वो पैसे और संपत्ति इकट्ठा करते हैं। सो इस दोहे में रहीम एक तरह का मेटाफर, इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं, ओके, उनके कहने का भाव ये है, वो क्या कहते हैं, वातावरण यानी कि पेड़ और तालाब का कंपैरिजन करके इस बात को एम्फसाइज करना चाहते हैं कि हमको जिंदगी में एक तरह से सेल्फलेस होना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, किसी दूसरा गरीब हो तो मेरे, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को अमीर होना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम दूसरों के भले के लिए संपत्ति इकट्ठा करें, कि अगर दूसरे को जरूरत हो तो हम अपने धन में से कुछ धन उस बंदे को, उस व्यक्ति को दे पाए। तो यही एक तरह का दैट शुड बी द रीजन व्हाई यू गैदर वेल्थ। तो कहने का मतलब यह है कि तो किसी सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जो व्यक्ति पूरी तरह से बुद्धिमान है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा। सो इस दोहे से एक तरह से हमको सेल्फलेसनेस के बारे में पता चलता है, यानी कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है और अपने पास जो संपत्ति है वो दूसरे की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में पता चलता है। तो एक तरह से भलाई हो, एक तरह से उदारता हो, उदारता ये अच्छा शब्द है, इसका इस्तेमाल कीजिए इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप उदार स्वभाव के रहें, आप सबके लिए भला करें, ओके। और इसमें हम सीख किससे लेंगे, हम सीख प्रकृति से लेंगे, पेड़ से लेंगे जो अपना फल नहीं खाती है, और तालाब से लेंगे जो अपना पानी खुद नहीं पीती है। तो हम प्रकृति से, वातावरण नहीं, प्रकृति सही शब्द होगा, हम प्रकृति से एक तरह से सीख लेंगे। प्रकृति इस तरह से लिखते हैं, प्रकृति, ओके। तीसरा सेट, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अब इसका क्या मतलब है, अगेन रहीम अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं। धागे का मतलब है थ्रेड, धागा तो मालूम है ना, आजकल भी हम यूज करते हैं दो धागा, सुई में धागा डालते हैं। प्रेम का मतलब लव और अफेक्शन। मत तोड़ो छिटकाए, ओके, मत छोड़ो छिटकाए का मतलब है किसी चीज को तोड़ना, स्नैप करना, कोई फॉर एग्जाम्पल कुछ रबर बैंड है, टक करके छोड़ दो तो मतलब उसको हम छिटका रहे हैं, उसको हम स्नैप करके तोड़ रहे हैं, ओके। टूटे से, तो तोड़ो का मतलब ब्रेक, तो ही सेइंग मत तोड़ो, टूटे से फिर ना मिले, जो टूट गया वो फिर से नहीं जुड़ पाएगा,
फेविकॉल लगा लो फिर भी कभी कभी नहीं जुड़ता उसी तरह से, है ना। ये फेविकॉल का जोड़ है वो एडवर्टाइजमेंट में अच्छा लगता है बस, ओके। मिले गांठ परिचय, ओके, और उसको फिर से जोड़ना हो धागे को तो उसमें गांठ डालनी पड़ती है, उसमें एक नॉट डालना पड़ता है, समझ गए ना। अगर कोई धागा आप तोड़ देते हैं तो वो फेविकॉल से तो नहीं जुड़ेगा, तो अगर आपको उसको फिर से जोड़ना हो तो उसमें एक नॉट यानी कि गांठ डालनी पड़ेगी, ओके। तो वो कहने का मतलब है इस तीसरे सेट में। तो रहीम अब इसमें कौन सा मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें धागे का मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेम का मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं, धागे का लिटरल मीनिंग और प्रेम का मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो कहने का मतलब है ओ रहीम डू नॉट ब्रेक द थ्रेड ऑफ लव बाय स्नैपिंग इट, कि अगर कोई प्रेम, अगर आपका आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप इस तरह से बर्ताव ना करें कि वो जो बॉन्ड है आपके बीच में, जो आपके बीच में जो धागा है द थ्रेड ऑफ लव, वो टूट जाए। आप किसी के साथ भी इस तरह का कठोर बर्ताव कभी ना करें, ओके, क्योंकि एक बारी जो टूट गया तो दिल पर चोट लगती है, तो उसके बाद एक तरह से दुश्मनी हो जाती है, आप बात नहीं करते हैं, तो एक तरह से वो रिलेशनशिप, आपकी दोस्ती भी, आप किसी से अच्छे दोस्त हो सकते हैं लेकिन किसी बात पर झगड़ा हो गया, छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, आपने कट्टी कर ली, कट्टी कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कट्टी कर ली और आप उससे फिर बात नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके बीच में जो एक रिश्ता था वो रिश्ता टूट जाता है, राइट। और अगर उसके बाद आप पेरेंट्स के दबाव में, टीचर के दबाव में, बाकी दोस्तों के दबाव में आप फिर से उस रिलेशनशिप को, उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक गांठ पड़ती है। इसमें क्या होगा, आपको हमेशा याद रहेगा उसने मेरे बारे में ऐसा कहा था, मेरी साइकिल को उसने गंदा बोला था, उस मेरी साइकिल को उसने धक्का दिया था, मेरी किताब को उसने फाड़ा था, आपके दिल में वो मलाल हमेशा रहेगा, आपके दिल में हमेशा वो एक तरह का एक यू वुड फील दैट सेंस ऑफ रिसेंटमेंट कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, राइट। तो वो एक तरह का नॉट बना रहेगा, आपका रिश्ता पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप कभी भी दरार पड़ने ना दे अपने प्रेम के रिश्ते में, ओके। सो दैट इज व्हाट रहीम इज सेइंग, क्योंकि एक जैसे थ्रेड एक बारी टूट गया, अगर उसको जोड़ना है तो उसमें गांठ डालनी पड़ती है, उसी तरह प्रेम का रिश्ता कभी टूट गया तो वो फिर पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, रहीम कहना क्या चाहते हैं, रहीम कहना ये चाहते हैं कि ये काफी जरूरी है, ये काफी आवश्यक है कि आप अपने रिश्तों को बनाए रखें, आप अपने रिश्तों को ना तोड़े, छोटी छोटी बातों पर अपनी सालों भरी दोस्ती को ना तोड़े। जैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूं, मेरी जो स्कूल की दोस्त है अभी भी मेरे सबसे प्रिय दोस्त हैं, मैं उनके साथ कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ा और अभी भी हमारी दोस्ती है, कई साल बाद अभी जून के महीने में मैं उनसे दिल्ली में जाकर मिला, राइट। तो काफी अच्छा लगता है कि छोटे में आप 10 साल एक ही कक्षा में पढ़े, एक दोस्ती थी और कई साल बाद भी अभी भी वो दोस्ती कायम है, राइट। सिमिलरली मेरे कॉलेज के एक दोस्त हैं, एक एक्टर हैं मुंबई में, उनसे मेरी दोस्ती बनी रहती है, आई मीन कॉलेज छूटे हुए 30 साल से ऊपर हो गए लेकिन अभी भी हमारी दोस्ती बनी हुई है, जब भी वो यहाँ मेरे शहर में आते हैं तो मुलाकात होती है, जब भी मैं मुंबई जाता हूं तो उनके घर पर रहता हूं, तो एक तरह से दोस्ती बनी रहती है, उस तरह की दोस्ती बनाए रखना जरूरी है। मैं अपनी पत्नी का उदाहरण देता हूं, मेरी पत्नी के 3 दोस्त हैं, वो अभी भी उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके, 4 दोस्त, और अभी भी, और ऐसा नहीं है कि वो हर रोज मिलते हैं, एक हैदराबाद में है, एक मुंबई में है, एक दुबई में है, एक अमेरिका में है, लेकिन वो हर ऑलमोस्ट हर दिन किसी ना किसी से बात करती है, लाइव जूम कॉल पे बात होती है उनकी, जब भी वो भारत आती है उनसे मुलाकात होती है, जब हम अमेरिका गए तो उनमें से एक दोस्त के घर पर रहे, जब हम दुबई गए तो उनमें से एक दोस्त के घर रहे, इस बारी मैं मुंबई वाली दोस्त पहले दिल्ली में थी, जब मैं दिल्ली गया तो उनके घर गया, तो एक तरह से दोस्ती परिवारों में भी है, तो ये काफी जरूरी है। अभी आप सब 6वीं कक्षा में हैं, आप अपनी दोस्ती को कायम बना के रखिए ताकि आप सब जब 10 साल 20 साल 30 साल भी बाद भी हो उनमें से कुछ दोस्त आपके तब के भी दोस्त बने रहे, ये काफी जरूरी है, ओके। ये हो गई आपको ज्ञान देने वाली बात। सो ब्रहीम यूजेस द मेटाफर ऑफ अ थ्रेड ऑफ लव टू कन्वे द डेलिकेट नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स
एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडलिंग देम विद केयर. ओके, एंड ये दोहा हमको ये सिखाता है. आप ये मैं पूरे नोट्स लिख दूंगा तो आप उसमें से फिर से पढ़ लीजिए. अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में, और हिंदी में तो मैंने पूरी तरह से समझा दिया ही है. ओके, आगे चलते हैं चौथे सेट पर. नाउ रहीमन पानी राखिए, बिनु बिनु पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून. नाउ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कहने का मतलब क्या है, इस दोहे में जैसे मैंने कहा हर दोहा एक कुछ ना कुछ नई सीख सिखाता है. इस दोहे में वो सिखा रहे हैं कि हमको विनम्र होना पड़ेगा. ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता. ओके, विनम्र होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा यानी कि हम्बल, हम्बल ह्यूमिलिटी, कि आप ये ना करें अरे मैं तो बड़ा ग्रेट हूं मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. आपको हमेशा विनम्र होके दूसरों से बर्ताव करें तो आपके ज्यादा दोस्त बनेंगे, आपकी मदद बाकी लोग ज्यादा करेंगे. रेस्पेक्ट यानी कि आप दूसरों का आदर करें, और डिग्निटी एक तरह से अपने आप को अच्छी तरह से बिहेवियर करें, एक डिग्निफाइड वे में करें, किसी के बारे में ओछी बात ना करें, इधर की बात उधर ना करें, किसी पर ऐसा मजाक ना करें कि उसको बुरा लग जाए. तो इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए, एक डिग्निफाइड वे में आपको बिहेव करना चाहिए. तो फोर्थ सेट का मीनिंग क्या है, पानी. पानी का मतलब एक तो यहां पर लिटरल मीनिंग तो ऑब्वियसली वॉटर है, लेकिन पानी का मतलब यहां पर डिग्निटी, रेस्पेक्ट, रेपुटेशन, इसकी भी बात, इस कॉन्टेक्स्ट में भी पानी का इस्तेमाल इस दोहे में किया गया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा. रहीमन पानी रखिए यानी कि आप पानी को मेंटेन, दैट इज यू मेंटेन योर डिग्निटी, मेंटेन योर रेपुटेशन, मेंटेन योर रेस्पेक्ट. बिनु पानी सब सून, क्योंकि अगर पानी नहीं होता है तो सून का मतलब है एम्प्टी, कि अगर आपका रेपुटेशन, आपका नाम बिगड़ जाए, अगर आप किसी टेस्ट में चीटिंग करते हुए पकड़े जाएं, तो टीचर कहेगी कि देखो इस लड़के को या इस लड़की को इसने चीटिंग की, आपका जो पूरा एक रेपुटेशन है पूरी कक्षा में बिगड़ जाता है. तो अगर आप अपनी रेपुटेशन, अपनी डिग्निटी को बचा के नहीं रखेंगे तो आपका नाम बिगड़ जाएगा. पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इसका मतलब क्या है, सेकेंड टाइम जो पानी का इस्तेमाल किया गया है, अगेन पानी तो पानी है, इसके साथ साथ ऑनर और रेपुटेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा गया है कि अगर पानी गए, गए मतलब गॉन या खो देने का या लॉस्ट. ओके, ना उबरे, उबरे मतलब रिकवर, कि एक बारी चला गया तो उसको फिर से वापस लाना काफी कठिन, काफी मुश्किल होता है. मोती का मतलब है, ये तो मोती तो आपको मालूम है, पर्ल. ओके, मानुष का मतलब ह्यूमन बीइंग, ओके, या व्यक्ति. चून का मतलब है लाइमस्टोन. ओके, चूना लगाने को बोलते हैं ना, दीवार पे चूना लगाते हैं, राइट. तो चूने वाली लाइम का मतलब है क्विक लाइम, जिसका कि कंस्ट्रक्शन में भी, दीवार घर वगैरह बनाने में भी काम आता है. लाइम, लाइमस्टोन नहीं, लाइम, लाइम वुड बी करेक्ट वर्ड. चूने का मतलब है लाइम. तो ये हो गया वर्ड मीनिंग्स. तो रहीम कहना क्या चाहते हैं कि रहीम मेंटेन योर डिग्निटी, कि अपने अपना एक जो ओहदा है, एक जरा का जो अपना डिग्निटी है उसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो जिंदगी में कुछ नहीं है. जिंदगी एक तरह से उसकी अहमियत नहीं है, वो एक तरह से सूना बन जाएगा. और एक बारी जो खो गया, मोती हो, मनुष्य हो या चूना हो, वो फिर से अपनी अपना जो महत्व है उसको वापस नहीं पा सकता है. तो एक तरह से रहीम ने पानी का मेटाफर यूज किया है और उससे डिग्निटी, रेस्पेक्ट, रेपुटेशन, ऑनर की बात की है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. मानुष का मतलब है कि एक बारी एक व्यक्ति का रेपुटेशन चला गया तो वापस लाना मुश्किल है. सिमिलरली जो चूना है, अगर चूना गीला हो गया तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चली जाती हैं, और उसका इस्तेमाल, अगर आपने चूने के थैले को बाहर बारिश में रख दिया और बाहर बारिश हो रही है, जैसे अभी यहां पर अभी हो रही है, तो अगर चूने पर पानी गिर गया तो फिर चूने का इस्तेमाल आप घर के काम में फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल आप फिर से नहीं कर सकते हैं. तो अगर मैं फिर से रिवाइज करूं कि जैसे पानी के बिना आप जिंदगी जी सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं, आपको प्यास लगेगी तो आप पानी के बिना कैसे जीवन
जिएंगे, तो उसी तरह से बिना रेपुटेशन के भी जीवन एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी डिग्निटी या रेपुटेशन या ऑनर चली जाती है तो उसको वापस लाना काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जैसे अगर मोती की चमक चली जाए तो फिर वो सुंदर नहीं लगता है, उसका इस्तेमाल आप किसी तरह की माला में नहीं कर सकते हैं, है ना। माला में मोती का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से चूना अगर गीला हो जाए तो उसका इस्तेमाल आप घर के काम में नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक तरह से इर्रिवर्सिबल होती हैं, वो वापस आप नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए आपको एक तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको कभी भी ना खोएं। ओके, फिफ्थ सेट, रहीमन बिपदाहु भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोए। कहने का मतलब क्या है? तो विपदाओ मतलब एडवर्सिटी, यानी कि मुसीबत, ट्रबल, विपदा आ रही है बोलते हैं ना आजकल, इसको विपदा भी बोलते हैं, विपदा करके लिखते हैं, ट्रबल हो या एडवर्सिटी, एडवर्स सिचुएशन बोलते हैं ना कि कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को कल एग्जाम फी भरना है, 2000 रुपए भरने हैं, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, तो ये मेरे लिए एक मुसीबत है, एक मुसीबत की घड़ी है, तो ये एक तरह की विपदा मानी जाएगी। ओके, हालांकि विपदा को थोड़े और एडवर्स सिचुएशंस में माना जाता है, मेरे घर में किसी का अस्पताल में दाखिल है, राइट, उनकी हालत काफी खराब बताई जा रही है, तो ये एक तरह की विपदा मानी जाएगी। भली का मतलब है गुड और समथिंग बेनिफिशियल, ओके, समथिंग विच इज बेनिफिशियल, आई होप आप सब लिख रहे हैं, जो थोड़े दिन होए, थोड़े मतलब कुछ दिन, few days, you know, so he's saying that trouble is good which lasts only for a few days, कि ऐसी कोई मुसीबत हो जो थोड़े दिन ही रहे वो अच्छी है, चलता है, तो एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते में वो मुसीबत टल जाए तो ठीक है, right? So जो थोड़े दिन मतलब days, होए मतलब it goes on for a few days, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई, तो दिन तो बता दिया, हित मतलब बेनिफिट, पहले भी मैंने आपको बता दिया है, हित का मतलब बेनिफिट, अनहित का मतलब है हार्म, ओके, समथिंग विच इज हार्म और इल विल, और यू नो कोई जानबूझ के आपके लिए कुछ गलत काम कर रहा है, या जगत में, जगत मतलब वर्ल्ड, ओके, जानी का मतलब है टू रियलाइज और टू नो, परत का मतलब है इट बिकम्स एविडेंट, बिकम्स की पता चल जाता है, ओके, इट बिकम्स एविडेंट या बिकम्स ये पता चल जाता है, सब कोई, कोई का मतलब सब मतलब एवरीवन, और कोई का मतलब है और एनीवन, एवरीवन और एनीवन, सब मतलब एवरीवन और कोई का मतलब है और एनीवन। तो कहने का मतलब क्या है यहां पर, छठे नहीं, ये तो पांचवा है ना, सॉरी, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एडवर्सिटी, यानी कि कुछ आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो अच्छा है अगर ये सिर्फ छोटे से, थोड़े से समय के लिए रहे, ओके, क्योंकि इस पूरे विश्व में, इस पूरे वर्ल्ड में जब कोई विपदा आती है, जब कुछ गलत काम होता है, हर व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मेरा असली में दोस्त कौन है और ऐसा व्यक्ति कौन है जो कि मेरा दोस्त नहीं है, जो मेरा भला नहीं चाहता है। आपकी कोई मुसीबत आई, ओके, कुछ लोग होंगे जो आपके साथ खड़े रहेंगे कि कुछ भी हो, ओके, गलती होगी लेकिन मैं मनीष के साथ खड़ा रहूंगा, मैं इसका दोस्त हूं, कुछ भी हो, ओके, इसे गलती हुई ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको बोलूंगा कि तू मेरा दोस्त नहीं है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, भाड़ में जा, मैं तब ऐसा नहीं कहूंगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मैं उसका समर्थन करूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये गलती फिर से उससे ना हो, ओके, इसका मतलब क्या है कि मैं इसका वेल विशर हूं, मैं इसका असली में दोस्त हूं, राइट। लेकिन कुछ लोग होंगे कि अरे यार बेकार है, इसको छोड़ो यार, इसके साथ नहीं रहने का, और निकल जाएंगे, दैट पर्सन इज नॉट ए वेल विशर। तो विपदा से ही ये पता चलता है, क्योंकि अच्छे समय पर अगर आपके, आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो सभी लोग आपके नोट्स के लिए आएंगे, राइट,
अगर आपके पास पैसा बहुत है तो सभी लोग आपके पास आएंगे, यार इसके पास पैसा बहुत है, ये पार्टी देगा, ये मेरे को समोसा खिलाएगा, ये कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, पिज्जा खिलाएगा, सब कुछ करेगा, राइट। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, सारा पैसा चला गया, समझो आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी देना बंद कर दिया, तो वही करेगा, नहीं है पैसे तेरे पास तो समोसे नहीं खिलाएगा आज, अरे इसको छोड़ो यार, अरे तेरे पास है इसको छोड़ो, उसके पास चलते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है फेयर, ये आप सीख लीजिए, फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि जो अच्छे मौसम में ही आपके दोस्त हों। ऐसे दोस्त मत बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो कि आपकी विपदा में भी, जब आपका बुरा समय चल रहा हो, तब भी वो आपके सपोर्ट में खड़े रहे। तो इस दोहे से हमको ये पता चलता है कि ऑब्वियसली कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बुरा समय चले, कोई ये नहीं चाहता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो, लेकिन ये जिंदगी की रीत है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। घड़ी की सुई 12 बजे ऊपर भी जाती है, 6 बजे नीचे भी आती है, राइट। लेकिन 6 बजे के बाद वापस 12 बजे भी जाती है, राइट। सो दोहे का मतलब ये है कि विपदा का भी एक अपना महत्व है, क्योंकि विपदा अगर छोटे समय के लिए आए तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन हमारा असल में दोस्त है और कौन हमसे असल में प्रेम नहीं करता है। तो दूसरों के कैरेक्टर के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी हो जाती है, कौन हमारा समर्थन करेगा, कौन हमारा समर्थन नहीं करेगा। तो हमारे साथ जो रिश्ते बने हुए हैं उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती है, हमें क्लैरिटी मिलती है कि हम किस तरह का बर्ताव इन सो कॉल्ड दोस्तों से, फेयर वेदर फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या सो गए, ऐसा पता चले लैपटॉप के सामने सब बैठ के सो रहे हैं करके, मैं यहां पर रहीम के दोहे पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं करने का। इस दोहा छठवें दोहे में क्या पता चलता है, ये दोहा आपको शक्ति के बारे में और जबान से निकली हुई शब्द के बारे में बताता है, और इससे ये पता चलता है कि आपको जबान से निकले हुए हर शब्द पर ध्यान देना है, और थिंक बिफोर यू से एनीथिंग, कि बोलने से पहले सोच लो कि क्या मेरे इस सोच बोलने से किसी को किसी तरह की हानि तो नहीं पहुंचेगी, किसी को किसी तरह का कष्ट तो नहीं पहुंचेगा, किसी को किसी तरह की ठेस तो नहीं पहुंचेगी। सो रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरक पाताल, आपू तो कही भीतर रही, जतनो करी खात कपात। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बंधु। तो कहने का मतलब यह है, वर्ड मीनिंग समझ लो, जीवा का मतलब है टंग, ओके, हम जीभ बोलते ना, जीभ बोलते ना, तब रहीम ने यूज किया है जीवा। बावरी, बावरी का मतलब है फुलिश, बेवकूफ, ओके। कही गई सरग पताल, सरग का मतलब है स्वर्ग, हेवन, ओके, पताल का मतलब है हेल, स्वर्ग नरक काइंड ऑफ अ थिंग, ओके। सो कही गई, गई का मतलब गोस, ट्रेवल्स, आपू तो कही, आपू मतलब वन सेल्फ, तो कही भीतर, भीतर का मतलब इनसाइड, ओके, कही मतलब स्पीक, टॉकिंग अबाउट द टंग, जबान तो मुंह के अंदर है, फिर भी देखो अंदर से कितनी बात करती है, राइट। तो एंड देन ही सेज जतनु मतलब केयर और एफर्ट, ओके, केयर और एफर्ट, करी मेकिंग, खात कपाल, खात का मतलब सफर, यानी कि मुश्किलें सफर करना, और कपाल का मतलब है फोरहेड, ओके, फोरहेड इज द लिटरल मीनिंग, लेकिन असली मीनिंग है फेट, यानी कि मेरा भाग्य, बोलते ना अरे मेरा भाग्य ही खराब है, तो व्हाट डू यू डू, यू रेफर टू हियर, नो, ऐसो यहां पे तुम्हारा भाग्य लिखा है, बोलते ना तुम्हारा भाग्य तुम्हारे माथे पर लिखा है, राइट। तो उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, तो रहीम कहता है कि जो जीभ है, जो टंग है, ये बेवकूफ है, क्योंकि ये बोल देती है और कभी किसी को स्वर्ग ले जाती है, अच्छी बात करती है और आपको बिल्कुल ऊपर चढ़ा देती है, या कभी इतनी बुरी बात कहती है कि पूरी तरह से आपको पाताल में भेज देती है। तो इसमें इतनी ताकत है, हालांकि इसमें एक हड्डी भी नहीं है, आपको मालूम है जीभ में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतनी ताकत है इसमें कि ये जो बोलती है इससे आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, आप नरक में भी जा सकते हैं, यानी कि आपको आनंद भी मिल सकता है, इससे आपको गुस्सा भी आ सकता है,
या आपको दुख भी हो सकता है, लेकिन हालांकि जीभ मुंह के अंदर रहती है, इसके जो परिणाम है इसको हम अपना भाग्य मानते हैं। सो दोहे में रहीम का कहना है, रहीम इज यूजिंग द मेटाफर ऑफ द टंग टू डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन वन्स लाइफ एंड डेस्टिनी, की किसी की जबान से निकले हुए शब्द से किसी दूसरे की जिंदगी पर, उसके भाग्य पर किस तरह का असर पड़ सकता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप जब भी बोलें, सोच समझ कर बोलें, विचार करने के बाद ही कुछ बोलें, क्योंकि शब्दों में वो ताकत है, वो किसी को ऊपर चढ़ा भी सकती है, किसी को और शक्तिशाली भी बना सकती है, किसी को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकती है, किसी को आनंद प्रदान कर सकती है, किसी को काफी सारा दुख प्रदान कर सकती है। और हालांकि जो जबान है छोटी है, छिपी हुई है मुंह के अंदर, लेकिन इसका अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे काफी नष्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए सोच समझ कर बात करने की हमेशा जरूरत है, क्योंकि इससे दूसरों पर असर पड़ सकता है। ओके, आखिरी सेट पर आते हैं। पापा मुझे भूख लग रही है। दिस दोहा बाय रहीम हाइलाइट्स द ट्रू नेचर ऑफ फ्रेंडशिप, ये दोस्ती के बारे में है। ओके, और रिश्तों के बारे में है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत, बिपदी कसौटी जे कसे तही तेही सांचे मीत। इसका वर्ड मीनिंग क्या है? कही मतलब सेज, अभी तक आपको पता चल गया होगा रहीम की बात हो रही है। संपत्ति मतलब वेल्थ और प्रॉपर्टी, आपके पास जो भी संपत्ति है या अच्छा भाग्य। सगे, सगे का मतलब जो आपके अपने हैं, रिलेटिव्स हो या वेरी क्लोज फ्रेंड्स। बनत का मतलब आर मेड। ओके, बहुत बहु रीत, बहुत मतलब मेनी, बहु मतलब आल्सो मेनी, मेनी मेनी। रीत का मतलब है वेस, वेरी वे, मेनी वेस और मेनी मेथड्स। विपदी, विपदी का मतलब अगेन विपदा, विपदी सब, विपदी सब एक ही है, एडवर्सिटी। ओके, मुश्किलें। कसौटी, कसौटी का मतलब है इट इज अ टेस्ट फॉर जेन्युइननेस, यू नो वेदर समथिंग इज जेन्युइन और नॉट, कोई सच्चा है या नहीं। जे कसे, कसे मतलब टेस्ट, यू नो टू टेस्ट समथिंग और एग्जामिन समथिंग। ते ही सांचे मीत, कि सांचे मतलब ट्रू। ओके, ट्रू या जेन्युइन। मीत का मतलब है फ्रेंड। So, मीत का मतलब आप समझ लीजिए, इसका वर्ड मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। सो रहीम कहते हैं कि अच्छे समय पर कई सारे आपके रिश्तेदार या दोस्त कई प्रकार से आपकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन जो आपके साथ रहे जब आपके पास, आपके सामने कोई मुश्किल हो, वही आपके सच्चे दोस्त हैं। ओके, तो जो अच्छे समय में आपके साथ खड़ा हो, नो 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 ये मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा हो उस समय पर मेरा दोस्त हो, उस समय पर मेरे साथ खड़ा रहे, तभी अच्छा दोस्त हो। कई सारे होते हैं, यू नो आप कहीं पर नहीं है, आपके एब्सेंस में किसी कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है। ओके, आपका एक दोस्त उस जगह पर खड़ा है, अगर वो दोस्त ऐसा है कि उस समय पर आपकी डिफेंड करे, नो 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 ये ऐसा नहीं है हरीश, ऐसा नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है करके आपको डिफेंड करे, तब वो आपका सच्चा दोस्त है। लेकिन वो वहां पर कुछ ना कहे और वापस यहां पर आपसे चुगली करे, अरे वो लोग ना तुम्हारे बारे में बहुत बुराई कर रहे थे, एक थप्पड़ मारो, बोले तो तुम वहां पर क्या कर रहे थे, तुम ये चुगली करने के लिए क्यों आए हो, तुम चुगली करके मेरा मन खराब कर रहे हो, वहां की बात इधर कर रहे हो, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होते तो मेरा डिफेंस तुम वहां पर करते, ये सच्चे दोस्त की निशानी है, समझे। तो ऐसे यू नो ऐसे दोस्तों से आप बचकर रहे, सो कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड से बचकर रहे। तो दोहे में मेटाफर यूज करते हैं टचस्टोन का, दैट इज टचस्टोन इज अ टूल यूज्ड टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मेटल्स। जो कसौटी है एक टचस्टोन है कि उससे आप एक किसी मेटल की कितना प्योर है उसकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मेटाफर यहां पर रहीम ने यूज किया है, और इससे रिश्तों के ऑथेंटिसिटी पर कि कितने सच्चे हैं उसके बारे में बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। सो द ट्रू नेचर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इज रिवील्ड व्हेन इट इज, यू नो जब कोई विपदा होती है, ये नहीं कि जब खुशी का माहौल हो, खुशी के माहौल में सब साथ में रहते हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत आए तभी लोगों का असली चेहरा सामने आता है। भारी बारिश हो रही है। ओके,
तो इस दोहे से हमको ये सीख मिलती है कि हमें ऐसे दोस्ती भी बनानी चाहिए जिससे कि वो हमारे साथ हमेशा बने रहे। ओके, तो ये तो हो गई पूरे एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, जहां पर मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा आपके लिए, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर बिल्कुल 10 out of 10 marks लाने लायक हो जाए। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लिखो यस सर, समझ में आ गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। कवि के परिचय में ये लिखा गया है कि रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। भक्ति काल मतलब उस पर्टिकुलर एरा को भक्ति काल कहते थे, जहां पर वो जिस समय पर वो लिखते थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। दैट इज, ही रोट अबाउट लव, ही रोट अबाउट रिलीजन, ही रोट अबाउट यू नो डिवोशन एंड अबाउट पॉलिसी मैटर्स। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा, अवधी और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश की अलग अलग प्रांति के भाषाएं हैं। ओके, उन्होंने उसमें कविताएं लिखी। रहीम रामायण महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय मतलब वेरी पॉपुलर। ओके, अब जल्दी से प्रश्न थोड़े से कर लेते हैं। रहीमन जीवा बावरी, कही न कही कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही। दैट इज टॉकिंग अबाउट द टंग। ये वो वाला दोहा है जिसमें कि जीभ की बात की गई है। तो उसका कहने का भाव क्या है ना, भाव का मतलब हमेशा याद रखिए। सी, वन इज द अर्थ, अर्थ का मतलब है मीनिंग। ओके, भाव इज रेफरिंग टू द मोर डीपर मीनिंग। और मैंने सारे दोहों का आपको डीपर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यानी कि उसके भाव की बात की है। जहां पर भी मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है कि आप धागे को लेकर या थ्रेड ऑफ लव को लेकर आप फ्रेंडशिप्स वगैरह की बात करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में एक तरह का भाव की बात करनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर दोहे का भाव क्या है? वन का इसका मतलब यह है कि आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, तो यहां पर आपको स्टार लगाना पड़ेगा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आए सुई। ये पहला वाला दोहा है। इस दोहे का भाव क्या है? सो इस दोहे का भाव या तो दोहे, इस दोहे का भाव डी है। अभी अभी कई स्टूडेंट्स गलती से बी को लेकर आ जाएंगे, लेकिन बी जो है वो अर्थ है। ओके, दैट इज द मीनिंग। वेरास इसका भाव है चौथवा, यानी कि डी ऑप्शन। ओके, मिलकर करें मिलान। अब इसमें से आपको मैच दी फॉलोइंग करने पड़ेंगे। तो पहला जो रहीमन है, इसका मतलब क्या है? रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो चिटकाए, तो इसका मतलब कौन से इससे आता है? तो यानी कि प्रेम की बात हो रही है, तो यहां पर प्रेम, तो ये इसका हो गया वन का थ्री। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत रीत, यानी कि यहां पर विपदी कसोटी जे कसे सांचे मीत। मीत का मतलब मैंने बताया था, ये दोस्तों की बात कर रहे हैं, तो टू का भी टू, तो इसका मतलब थर्ड का हो गया वन। तो यहां पर सुजान, सज्जन, जो मैंने बोला था अच्छे व्यक्ति की बात हो रही है। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा करें, उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें। रहीमन बिपदुह भाली भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो रहीम का कहना है, और इसको मैं बोल देता हूं, लिखना काफी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, पूरा टाइप करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो रहीम कहते हैं कि विपदा अच्छी होती है। ओके, कहने का मतलब है कि विपदा अच्छी होती है अगर वो कुछ दिन ही चल दे। ओके, वो विपदा जो कुछ दिन ही चले। इस दुनिया में मुश्किलों के दौरान सबको पता चल जाता है कि हमारा चाहने वाला असली मित्र कौन है और हमारा अहित चाहने वाला कौन है। तो ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से आपको इस उत्तर को लिखना है। तो जो मैंने कहा इसको जरा पॉज करके इस उत्तर को लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि आप इसको, अगर आपको होमवर्क करना हो तो इसका होमवर्क में भी आप लिख सकते हैं। दूसरा ख, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, सो वही से जीप का कहना है। तो इसका मैंने यहाँ पे सिर्फ नोटबुक में लिखा, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग काफी अच्छी नहीं है। ओके, रहीम कहते हैं कि जो भी जीव या जीवा होती है वे एक तरह से बावरी होती है। बावरी का मतलब मूर्ख, फुलिश, बेवकूफ। ओके, ये चलना शुरू करती है तो स्वर्ग भी ले जा सकती है या आपको पाताल भी दिखा सकती है। ये मुंह के भीतर रहती है, लेकिन इसके परिणाम बड़े रहते हैं। एक बारी जो कह दिया उसके उसका परिणाम उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, इसलिए सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है।
दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ओके, रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परिजाए, यानी कि जो एक बार टूट गया उसमें फिर से करेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। सो प्रेम का धागा नाजुक होता है, नाजुक मतलब इट इज डेलिकेट। ओके, और हमें इसे एक झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जो टूट गया वो फिर से नहीं जुड़ता है, और अगर उसमें जोड़ने की हम कोशिश करें तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो इसका अर्थ ये है। ओके, मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल रहा, इसको आप एडजस्ट करके स्लो में भी मेरी बात को सुन सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये पूरा आंसर इस तरह से लिखिए, तभी आपको पूरे 2 में से 2 या 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ओके। इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। ओके, जैसे वहां पर दोहे में छिटकाए है, यहां पर उन्होंने चटकाए लिखा है। ओके, उसी तरह से यहां पर मिले था, यहां पर जुड़े करके लिखा है। सो एक तरह से ये राइम और सिमेट्री के लिए इस तरह का काम होता है, लाइक डारी के तरफ तलवारी, तलवारी जैसे मैंने कहा था उसके नाम पर तरवार, तो उस तरह के अलग अलग होते हैं बेसिकली राइम और सिमेट्री के लिए। जैसे मैंने बोला था एक ही टाइप के रहें ताकि वो सुनने में अच्छे लगें, क्योंकि इन दोहों को एक तरह से भरी महफिल में बोला भी जाता था, तो लोगों को सुनने में तभी अच्छा लगता था तब एक तरह का एक राइम स्क्रीम हो। फॉर एग्जाम्पल, देर इज द रेन। ओके, मैं बहुत सिंपल सा बताता हूं, देर कम्स द रेन, नाउ विल कम द ट्रेन। सो रेन ट्रेन, तो एक तरह की राइम और सिमेट्री है। ओके, क्या पोएम है। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है, क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? तो धागा इसलिए क्योंकि प्रेम उस धागे की तरह काफी कमजोर और काफी डेलिकेट और काफी फ्रेजाइल रहता है, फ्रेजाइल नहीं बोलूंगा, आई मीन इंग्लिश में फ्रेजाइल, लेकिन काफी कमजोर रहता है कि अगर उस पर थोड़ा सा भी जोर डालें तो वो टूट सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, आप कई सारे एग्जाम्पल्स तोड़ सकते हैं, धागे के बजाय आप ग्लास का उदाहरण दे सकते हैं, आप पेपर का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि पेपर को आपने निचोड़ के फेंक दिया तो क्या वो पेपर फिर से बिल्कुल उस तरह से साफ सुथरा पेपर रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो पेपर हो गया, आपने ग्लास का बॉटल या ग्लास तोड़ दिया तो क्या कांच को आप वापस जोड़ सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं। उसी तरह से कोई सुंदर पुष्प हो, फूल हो, उसके आप सारी पंखुड़ियों को तोड़ दें, क्या उन पंखुड़ियों को वापस आप जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के उदाहरण आप दे सकते हैं। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियाई ना पान, कहीं राम पर काज है, संपत्ति सचई सुजान। तो इस माध्यम से मानवीय गुण की बात की गई है। किन मानवीय गुण की बात की गई है? कि आप अपने बारे में ना सोचे, दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे, यानी कि निस्वार्थ तरीके से आप सोचें, कभी भी आप हार ना माने। ओके, तो कभी भी हार ना माने और एक तरह से दूसरों की देनी कुछ, दूसरों की भलाई करने की आपकी प्रवृत्ति हो, आपका नेचर ऐसा हो कि आपका भाव ऐसा हो कि आप दूसरों की भलाई भी कर सकें। तो इसमें वही है ना कि पेड़ फल इसलिए उगाती है ताकि हम और आप उसका फल खा सकें। ओके, वो छाया इसलिए देती है ताकि नीचे कोई, उसके पेड़ की छाया के नीचे कोई बैठ सके, उसके पेड़ के इस पे कई सारी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। तो पेड़ अपने लिए नहीं कर रही है, पेड़ दूसरों के लिए कर रही है। उसी तरह से तालाब अपना पानी नहीं पीती है, वो तालाब दूसरों के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वहां पर पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए उसमें उसका पानी इस्तेमाल होता है। तालाब को उस पानी से किसी भी तरह का फायदा नहीं होता है। उसी तरह से मनुष्य को भी दूसरे के भले के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, कविता में इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे मैंने तरोवर का कहा, आपको हिंदी में पेड़ लिखेंगे। ओके, तमिल में इसको मरम कहते हैं, मरम मतलब ट्री, ट्री को मरम कहते हैं। ओके, सुजान इज ए गुड पर्सन, अच्छा व्यक्ति, तमिल में इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो नल्लवन। ओके, बुरा व्यक्ति को कट्टवन कहते हैं, कट्टवन, नल्लवन मींस ए गुड मैन। ओके, तो मैंने आपको दो बता दिए यहां पर। ओके,
शब्द एक अर्थ अनेक। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, यानी कि सम्मान, जल और चमक, करेक्ट। तो उसी तरह के इन चार शब्दों के भी आपको बताने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल का मतलब क्या होगा? कल का मतलब आप कल यानी कि यस्टरडे के हिसाब से कर सकते हैं, ओके। कल वाला मतलब कल जो बीत गया, कल एक कल जो कल आएगा यानी कि टुमारो, कल वाले कल की बात हो सकती है, कल वाला कल। और तीसरा कल आप एक एक पूरा एक एक समय बीत गया, ओके, उस समय उसके उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं, कल की बात, यू नो, कि एक उस समय पर हम ऐसी बातें होती थी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी कल का हिसाब किया जा सकता है। पत्र का मतलब एक तो हो गया खत, खत लेटर यानी कि लेटर, दूसरा हो गया पत्र, लीफ पत्ते के हिसाब से भी उसको इसका इस्तेमाल करते हैं, तीसरा हो गया पत्र अखबार, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर या कोई डॉक्यूमेंट, आवश्यक पत्र बोलते हैं ना, अरे ये बहुत काफी आवश्यक पत्र है, यानी कि इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उस हिसाब से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है पत्र का। तीसरा चौथा आप करेंगे, मैं करूं। कर का बताता हूं, कर का मतलब आयकर यानी कि टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को बोलते हैं आय, आय का मतलब है इनकम, कर का मतलब है टैक्स, सो आयकर, देन करना, ओके, ये काम करो, ओके, दैट इज टू डू, ओके, इस काम को जरूर कर लेना। देन सूर्य के कर यानी कि रेज ऑफ द सन, ओके, सूर्य के कर को, आई मीन रेज ऑफ द सन को सूर्य कर कहते हैं। देन कर को कभी कभी हाथ के लिए भी यूज करते हैं कि उसके हाथ में पुस्तक है, उसके कर में पुस्तक है, करके थोड़ा सा पुराने टाइप का हिंदी हो जाएगा, ओके। फल का मतलब एक तो फ्रूट, ऑब्वियसली, वेरी गुड। दूसरा तीसरा बताओ, फल, इसका फल मीठा होगा यानी कि रिजल्ट, इस काम का फल मीठा होगा, मेहनत का फल मीठा होता है। देन फल, आपको इसका फल मिलेगा यानी कि इसका रिवॉर्ड मिलेगा, इसका पुरस्कार मिलेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन रहीमन देखी बड़ेन को लघुन, दोस्तों इसमें आपको ये अपने मनपसंद दोहे को इसी तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए, दोहा पाठ या पाठ से देते, तो आपको इसी तरह से अपने आप लिखना है। ये आपके क्लास में एक्सरसाइज किया जा सकता है कि आप दोहे के फॉर्म में इस चीज को लिखें, आप किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का विस्तार से लिखें, ओके। देन सेम थिंग, सरगम आपने देखा होगा कि इसको गाने के रूप में भी कर सकता है। दृश्य श्रव्य, ये शब्द को आप याद रखिए, इसको टीवी, इसको रेडियो कहते हैं, ओके। दृश्य श्रव्य, दृश्य मतलब जो पिक्चर्स दिखाती हो, ओके, माध्यमों से कई बार सुना होगा, तो इसमें एक तरह से आज भी इन दोहों को कहा जाता है ताकि एक तरह का मनोरंजन लोगों को हो जाए, क्योंकि हर दोहे में एक बड़ी सीख हम सबको आज भी मिलती है। आखिर में दो पहेलियां हैं, दूसरी पहेली का तो मुझे अर्थ समझ में आ गया। दूसरी पहेली है, एक किले के दो ही द्वार, यानी कि एक किला फोर्ट, यहां पर दो द्वार हैं, उसमें सैनिक लकड़ीदार, लकड़ीदार ये हिंट है, लकड़ी वाले सोल्जर्स टकराए जब दीवारों से, जब वो दीवारों से टकराते हैं, दीवार मतलब बाहर की दीवार, समझ में आया, जल उठे सारा संसार, तो आग लग जाती है, तो इसका मतलब है मैच बॉक्स यानी कि दिया सलाई, ओके, दिया सलाई का मतलब है मैच बॉक्स। पहला वाला मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आया, तो पहले वाले को जरा आपको सोचना पड़ेगा। दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूं खाने के काम, ओके, आता हूं खाने के नाम से मुझे लगा शायद नमक है, उल्टा होकर नाच दिखाऊं मैं क्यों अपना नाम बताऊं, अभी नमक को मैं उल्टा करूं तो ये कमन हो जाता है, ये कमन का क्या मतलब है मुझे ठीक से समझ नहीं आया, आप जरा सोचिए। मेरे हिसाब से ये नमक हो सकता था, लेकिन कमन, कमन उल्टा होके नाचने का क्या है, कमन, कमन करके कोई शब्द है क्या, जरा सोचना पड़ेगा इसको, जरा देखिए, ओके। तो इसके साथ हम पूरी तरह से इसको खत्म करते हैं, ओके, क्वेश्चन आंसर्स भी पूरी तरह से खत्म हो गए, लेकिन आपको मैं आपको एक बात साफ बता दूं, ये रहीम के दोहों को आपको पूरी तरह से कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, ये आसान नहीं होगा याद रखने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये हमारी बोलचाल की भाषा अभी
नहीं है, तो इसको काफी बारी रिवाइज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स ले लिए हैं, तो अपने नोट्स और जो मैंने कमेंट्स में नोट्स डाले हैं उसको सुनिए, लेकिन अगर आपको फिर से इसको सुनना हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, कितना है, एक घंटे का वीडियो से कम है, तो वो सुन लेंगे तो आपको पूरी तरह से ये डिटेल में समझ में आ जाएगा और आपके पूरे मार्क्स रहीम के दोहे में आ जाएंगे। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।